एक मिनट और रुक जाते हैं, फिर शुरू करते हैं अपना। सर तब तक कल वाला रिवाइज कर दीजिए इफ़ पॉसिबल। ये एक्चुअली हमने यूट्यूब पे डाल रखा है वीडियो, वी यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है। एक तो वही क्वेश्चन था जो जब तुम प्रेजेंट थे उसी समय, जो हम लोग वो टाइप ए टाइप बी बेल्ट वाला कर रहे थे, तो वही एक क्वेश्चन कराया था। और एक और मतलब कल ग्राफिकल ही मेथड कराया था, यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हो जाके। हाँ चलिए ठीक है, 1:20 हो चुका है, अब हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। तो आई वेलकम यू ऑल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने किससे सीखा है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखा है सिंपलेक्स, ये लीनियर प्रोग्रामिंग को, ठीक है। आज हम लोग सिंप्लेक्स मेथड सीखेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड नाम सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है ये मेथड, नाम पे मत जाना, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो मैंने एक पहले बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है, मतलब इसको आप ग्राफिकल मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर पेपर में अगर आएगा तो वो आपसे बता देगा कि मुझे ये सॉल्यूशन सिंप्लेक्स मेथड के से चाहिए। बात समझ में आ रही है? बाप रे क्या हुआ, रुकिएगा, ये लगता है उड़ गया है इधर से, सॉरी एक मिनट वेट करिएगा। फ्यूज ही उड़ गया क्या सब यहाँ पे, पंखा होगा, चलिए कार कर दिया। अच्छा, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो पंखे बंद हो गए, पंखे, हाँ ये भी उड़ गया लग रहा है। नीरज सर पंखा जरा चला दीजिएगा इधर, यहाँ उड़ गया, चार्ज कर रहे थे उड़ गया, फ्यूज ही पता नहीं उड़ गया शायद सर, ये चलिए सॉरी, शुरू करते हैं लेक्चर। तो हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली सिंप्लेक्स मेथड से, ये जो आपका ग्राफिकल मेथड से अभी हम लोगों ने सीखा था लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करना, अब हम किससे सीखेंगे, सिंप्लेक्स मेथड से, ठीक है। इसमें कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, एल्गोरिदम मतलब कि आपको एक मेथड बताया जाएगा, मतलब कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम ऑप्टिमम सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, खाली स्टेप्स को देख लेंगे, वो कैसे आ रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि स्टेप्स आप पहले जान लीजिए।
क्योंकि अगर मैंने वो बताना शुरू किया कि इसके पीछे रीजन क्या है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से पहले आप सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, ठीक है? तो इसमें चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, इस एग्जांपल को आप इजीली सिंप्लेक्स ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे हल्का सा एग्जांपल लिया है ताकि आपको सही से बताया जा सके, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैक्सिमाइज सिंप्लेक्स मेथड। हम मैक्सिमाइजेशन के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, हम किसके लिए देख रहे हैं? पहले हम देख रहे हैं मैक्सिमाइजेशन के लिए, हम मैक्सिमाइजेशन के लिए देख रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है जी? क्या हो रहा है यार? तो मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लोग सिंप्लेक्स मेथड देख रहे हैं। तो किसके लिए देख रहे हैं? मैक्सिमाइजेशन के लिए। मिनिमाइजेशन के लिए जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, ठीक है? मिनिमाइजेशन के लिए हम कैसे मिनिमाइज करते हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? या अगले लेक्चर में हम इसके पीछे का कुछ लॉजिक बता देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है तो उसमें मिनिमाइजेशन देख लेंगे, ठीक है? लेकिन ये है कि आज के लेक्चर में आपको सिंप्लेक्स से लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करना आ जाएगा। जितना आपके लिए क्वेश्चन रिक्वायर्ड, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, उतना आपको आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास गिवेन है और हमें क्या करना है, उसको मैक्सिमाइज करना है। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवेन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवेन है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ये पार्ट जो आया है 0x3 और 0x4, ये बाद में आया है, ये अभी नहीं आया है। मतलब जो ओरिजिनल आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जिसको आपको मैक्सिमाइज करना था, वो है 10x1 + 9x2, ठीक है? ये था आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये मॉडिफाई करके यहाँ लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा वो कैसे आया है। अब देखिए, आपके लिए कंस्ट्रेंट क्या थे? कंस्ट्रेंट है ये दोनों, कंस्ट्रेंट है ये दोनों। तो ये बेसिकली क्या था? कंस्ट्रेंट ओरिजिनली 3x1 + 3x2, और अगर मैक्सिमाइजेशन की बात करोगे तो लेस देन इक्वल टू 21 था, ठीक है? और ये था 4x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 24। ये दोनों कंस्ट्रेंट है। मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, ये मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, ठीक है? इसका मॉडिफिकेशन कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अब देखिए, जब सिंप्लेक्स सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले नज़र पड़नी चाहिए आपकी कंस्ट्रेंट पे। तो सबसे पहले हमारे पास पहला कंस्ट्रेंट कौन सा है? ये वाला है पहला कंस्ट्रेंट। बात समझ में आई? ये है हमारा पहला कंस्ट्रेंट। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जैसा आपको याद होगा ग्राफिकल मेथड में कंस्ट्रेंट प्लॉट करने के लिए इनइक्वालिटी हटाते थे। यस और नो बताओ, याद है कि नहीं? याद है, याद होगा। तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी हटाएंगे। तो यहाँ पर देखो, LHS जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं है? ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कोई कम वैल्यू है, तभी तो यहाँ लेस देन इक्वल टू 21 लिखा है। मेरी बात सुनो ध्यान से, LHS जो है वो लेस है कि नहीं RHS से, मुझे बताओ, है ना? कम है। और अगर मुझे LHS बराबर RHS करना है, अगर मुझे LHS बराबर RHS करना है, अगर मुझे LHS बराबर RHS करना है, तो मुझे यहाँ पर कुछ जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कोई क्वांटिटी जोड़नी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पर LHS और प्लस ये क्वांटिटी बराबर RHS को लिख सकता हूँ मैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल मैं जोड़ रहा हूँ, एक्स्ट्रा वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल। स्लैक मतलब कमी, जो कमी थी वो वेरिएबल पूरा कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अभी बात और अच्छे समझ में आ जाएगी। जैसे ये है, यहाँ पे आपको LHS इज लेस देन इक्वल टू 21 नज़र आ रहा है। अगर मुझे ये लेस देन इक्वल टू हटा के इक्वल टू करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा, 3x1 + 3x2 + यहाँ मैं कोई एक वेरिएबल जोड़ता हूँ जो है x4। बात समझ में आ गई? जो है x4,
जो है एक्स फोर। बात समझ में आ रही है? और इसी को मैंने किसके बराबर लिख दिया मेरे लाल, बराबर लिख दिया 21। बात समझ में आ रही है? जब मैंने कोई वैल्यू जोड़ी तो वो हो गई बराबर 21 की। तो ये जो है मेरा, ये एक्स्ट्रा वेरिएबल जुड़ा है, ये मेरा एक्स्ट्रा वेरिएबल जुड़ा है, और इसको मैं कहता हूँ स्लैक वेरिएबल, इसको मैं कहता हूँ स्लैक वेरिएबल, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ स्लैक वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो ज़रा, दूसरा कंस्ट्रेंट उठाओ, दूसरा कंस्ट्रेंट हुआ, दूसरे कंस्ट्रेंट को इधर लेके आए। अब इस लेस देन इक्वल टू के साइन को अगर मुझे इक्वल टू करना है तो मैं यहाँ पर भी एक वेरिएबल जोड़ूंगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी एक वेरिएबल जोड़ूंगा, एक्स थ्री मैं ऊपर जोड़ चुका हूँ, तो यहाँ, अच्छा वो पिछले केस में एक्स फोर जोड़ दिया था ना, तो ऐसा करिएगा पिछले केस में आप एक्स थ्री जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स फोर जोड़ूंगा, मतलब पिछला जो अभी कंस्ट्रेंट था ये कंस्ट्रेंट था, ये यहाँ मैंने एक्स फोर जोड़ दिया था। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक सीक्वेंस में चलने के चक्कर में मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, एक प्रॉब्लम हो गई है, एक मिनट रुकिए। जरा एक मिनट आप दीजिएगा, बस बीच बीच में क्लास इंटरप्ट हो रही है। इस क्लास के बाद चले जाए, मतलब नेट नहीं मिलेगा ना वहां पे क्लासरूम में, मिलेगा सर? ये लेक्चर हो जाने से अगले बार से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा थोड़ा। सब लोग हैं कि नहीं बने हुए? ठीक है, आज काफी डिस्टरबेंस हो रही है, सॉरी हमारी तरफ से। तो ये बेसिकली मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो ये दूसरा वाला कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे दूसरा वाला कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे दूसरा वाला जो कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे जब हम इस लेस देन इक्वल टू को बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमने एक स्लैक वेरिएबल जोड़ा जिसको हम कहेंगे एक्स फोर, और यहाँ पर जब हमने इसको बराबर करने के लिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे सिंप्लेक्स मेथड की, सिंप्लेक्स मेथड की हम बात कर रहे थे।
तो मैंने कहा कंस्ट्रेंट को पहले, जो लेस देन इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट है इसको आप कर लीजिए, इसको आप बराबर कर ले कर लेंगे, मतलब जो आपका पहले कंस्ट्रेंट था यहाँ पर 3x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 21 था कि नहीं था। यहाँ पर 20 लेस देन इक्वल टू को अगर मुझे इक्वल टू में रिप्लेस करना है, अगर मुझे यहाँ इक्वल टू में रिप्लेस करना है तो मैंने यहाँ पर एक स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया जो था आपका x3। बात समझ में आ गई, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो है वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमने जो दूसरा कंस्ट्रेंट था उसको जब हमने इनइक्वालिटी हटाया तो हमने यहाँ पर एक और स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया। हे भगवान, सॉरी बार बार डिसकनेक्ट हो रहा है, आज कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम मैनेज करेंगे किसी तरह। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रेंट मिल गए हमारे, यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट मिल गए, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कंस्ट्रेंट आए कैसे, ये कैसे कंस्ट्रेंट आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पहले दो डिसीजन वेरिएबल्स थे x1 और x2, दो डिसीजन वेरिएबल्स थे x1 और x2, अब हमारे पास बेसिकली ये दो से बढ़ के हो गए चार डिसीजन वेरिएबल्स। बात समझ में आ रही है, अब दो से हो गए चार डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है, क्योंकि आपने दो स्लैक वेरिएबल्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे दो स्लैक वेरिएबल्स आपने जोड़े हैं बेसिकली, x1 x2 x3 और x4। अब आपके पास चार डिसीजन वेरिएबल्स हैं, और अगर ये चार डिसीजन वेरिएबल्स हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी आपको ये दो स्लैक वेरिएबल्स जो आ रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इसको, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक वेरिएबल का जो कोफिशियंट है यहाँ ज़ीरो नज़र आ रहा है आपको। ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे बस। तो देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड की, और हम यहाँ पर ये कह रहे थे आपसे कि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली चार डिसीजन वेरिएबल्स आ गए, एक हो गया x1, दूसरा x2, तीसरा x3 और चौथा x4। और अब हम इसको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आपके पास चार डिसीजन वेरिएबल्स आ गए ना, पहले तो दो ही थे अब चार हो गए। तो यहाँ पे जब ध्यान दोगे यहाँ पे देखोगे कि जीरो कोफिशियंट है। जीरो कोफिशियंट क्यों है, जीरो कोफिशियंट क्यों है, क्योंकि इन स्लैक वेरिएबल्स को आपने इंट्रोड्यूस तो किया लेकिन इनका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रोल है वो कोई नहीं होगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, सपोज़ आपने कोई क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया, ये x1 किसी यूनिट की वैल्यू, मतलब मान लो कि ए से आप मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसकी वैल्यू है, बी से मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसकी वैल्यू है, पर यूनिट ए को बेचने पे आपकी कॉस्ट आती है 10, मतलब पर यूनिट ए के यूनिट को बेचने पे 10 रुपये का फ़ायदा होता है, पर यूनिट बी के यूनिट को बेचने में 9 रुपये का फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन ये सारे डेटा स्लैक वेरिएबल्स के लिए तो नहीं थी, बात समझ में आ रहा है, ये सारे डेटा स्लैक वेरिएबल्स के लिए तो नहीं था। तो स्लैक वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन पैदा नहीं करेगा, बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर आप देखो
तो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 10x1 प्लस 9x2 है, ठीक है। x3 x4 तो आपने बाद में इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका तो कोई, आप सोचो तो इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर उसका कोफिशियंट यहाँ क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हम करेंगे, स्लैक वेरिएबल को जैसे ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे उसका कोफिशियंट जीरो कर देंगे। बात समझ में आई, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जब इतना काम कर देंगे, अभी तक हमने क्या काम किया, अभी तक हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ठीक है, और कंस्ट्रेंट थे। तो कंस्ट्रेंट थे तो कंस्ट्रेंट को क्या किया, लेस देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू था। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हमने एक स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया ताकि हम इस लेस देन इक्वल टू को बदल सकें इक्वल टू में। बात समझ में आ रही है, इस लेस देन इक्वल टू को बदल सकें इक्वल टू में, ठीक है। बात समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। इतना बात समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब हमें टेबल बनानी है। देखिए अब हमें टेबल बनानी है, यहाँ पर अब हमें टेबल बनानी है। देखिए किस तरह से बनेगी टेबल, इसके बारे में पहले आप जान लीजिए, किस तरह की आपकी टेबल बनेगी इसके बारे में आप जान लीजिए पहले। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ ऊपर लिखा है, जब आप टेबल बनाना शुरू करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे पहले वेरिएबल्स को, जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं आपके, जिसमें आपका दो स्लैक वेरिएबल भी है और दो डिसीजन वेरिएबल जब आपके ओरिजिनल थे। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x1 x2 x3 x4, ये क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स हैं कि नहीं है, जितने भी थे, ठीक है। उसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, x1 के ऊपर आप देखोगे, x1 के ऊपर 10 लिखा हुआ है। ये 10 क्या है, ये 10 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशियंट। ये 10 क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशियंट है। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशियंट क्या है, 10 है कि नहीं है, तो 10 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 10 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह x2 का कोफिशियंट देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, x2 का कोफिशियंट अगर देखोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो क्या आएगा आपका, 9 है कि नहीं है, 9 है। x3 का कोफिशियंट जो है आपका, x3 का कोफिशियंट देखो मेरे लाल क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 है, 0 है कि नहीं है। और x4 का कोफिशियंट 0 है, इतना लिख लिए, इतना हो गया। पहले हमने क्या किया, सारे वेरिएबल्स को लिखा, सारे वेरिएबल्स को लिखा, उसके ऊपर हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो उन वेरिएबल्स का कोफिशियंट था वो सारा लिखा, ठीक है, 10 9 0 0। अब देखिए ये ऊपर वाला इतना तैयार हो गया कि नहीं, ये ऊपर वाला इतना तैयार, अरे यार ये पेन क्यों आ जाता है, ये ऊपर वाला इतना तैयार हो गया। अब देखिए नीचे क्या होगा, नीचे कंस्ट्रेंट की वैल्यू लिखनी है आपको, नीचे जो है वो कंस्ट्रेंट की वैल्यू लिखनी है। नीचे देखिए पहला कंस्ट्रेंट आया आपके पास ये वाला, पहला कंस्ट्रेंट आया आपके पास ये वाला, ठीक है। तो पहला कंस्ट्रेंट क्या, x1 की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई पहले कंस्ट्रेंट में, देखिए कोफिशियंट। x2 का कोफिशियंट क्या हो गया, 3, यहाँ फिर से 3 आ गया, ठीक है। x3 का कोफिशियंट यहाँ 1 फिर से आ गया, और x4 तो है ही नहीं इस पहले कंस्ट्रेंट में, तो यहाँ 0 आ गया कोफिशियंट उसका, ठीक है, ये हो गया। और बराबर 21, तो यहाँ पर एक कॉलम और बनाएंगे जिसमें आप लिखोगे RHS, ठीक है, RHS लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे 21, ये जो वैल्यू है यहाँ पे लिखोगे 21। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या किया मैंने। देखो बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से भाई। सबसे पहले आपने क्या किया, x1 लिखा, x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा, x4 लिखा, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशियंट्स होंगे कि नहीं होंगे? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशियंट थे 10, 9, 0, 0, हो गया। अब देखो ये हो गया, यहाँ लिखोगे RHS, यहाँ लिखोगे क्या RHS, ठीक है। नीचे क्या लिखोगे? नीचे लिखोगे कंस्ट्रेंट में जो पर्टिकुलर वेरिएबल का कोफिशियंट है वो सब लिखोगे। तो यहाँ लिखोगे 3, यहाँ फिर 3, यहाँ फिर 1, यहाँ शायद 4 था, मुझे याद नहीं आ रहा, 4 था, जो भी होगा कोफिशियंट देख ही लेते हैं, 3 है, ठीक है। तो जो भी आपका कोफिशियंट है, यहाँ पे 3 है जैसे, तो 3 है, और यहाँ 0 हो गया, और LHS में ये राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, तो 21 लिख दिया। उसके नीचे क्या लिखेंगे, 4, 3, 0, 1, और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, 24। बात समझ में आ गई? इतना हो गया कि नहीं हो गया? आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। यही मैंने इस टेबल पे यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो मेरे पास ये टेबल आ गई है, अब यही इस टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। ये यही अभी तक हमने समझा, यही लिखा हुआ है इस टेबल पे। अब ज़रा देखिए, सबसे पहले ये जो होता है यहाँ बेसिस होता है, यहाँ पे दो तरह के वेरिएबल बेसिकली होते हैं। जैसे आपने चार तरह के वेरिएबल निकाले ना, x1, x2, x3, x4, दो तरह के वेरिएबल होते हैं। दो तरह के वेरिएबल कौन से होंगे? एक होता है बेसिक और एक होता है नॉन बेसिक, ठीक है। तो बेसिक वो वेरिएबल होते हैं जो सोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिक वेरिएबल, अभी सब समझ में आ जाएगा, पहले स्टेप समझ लो। स्टेप समझ गए ना तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सब इसका सिग्निफिकेंस समझ लेंगे, ये कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पर जो आएगा वो बेसिक वेरिएबल आएगा जो सॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अभी सब समझ में आ जाएगा कैसे, मैं बता रहा हूँ। तो जब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं ना, जब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखो किस वेरिएबल का कोफिशियंट जीरो है। मैंने क्या बोला, जब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जब क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखो कि किसका वेरिएबल, किसका कोफिशियंट क्या है, जीरो है, ठीक है। तो देखोगे तो आपको स्लैक वेरिएबल जो आपने इंट्रोड्यूस किया था x3 और x4, उसका कोफिशियंट जीरो नज़र आएगा, ठीक है। तो आपके अभी बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक वेरिएबल्स कौन से हो गए, x3 और x4, बात समझ में आ गई, x3 और x4। तो ये जो हमने कॉलम यहाँ बनाया है, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स रखोगे तो बेसिक वेरिएबल क्या हो गया, x3 हो गया, बेसिक वेरिएबल क्या हो गया, बेसिक वेरिएबल देखोगे तो क्या होगा, x3 और x4, ये होंगे बेसिक वेरिएबल, बोलो, ठीक है, हो गए। और मैंने क्या कहा, शुरुआत में हम वो वेरिएबल रखेंगे जो स्लैक वेरिएबल है, जिसका कोफिशियंट जीरो है, ठीक है। अब देखो यहाँ वाले जो रो, ये कॉलम है, यहाँ वाला जो कॉलम है, यहाँ वाला कॉलम, अच्छा यहाँ वाला कॉलम है, यहाँ पर ये जो वेरिएबल बेसिक वेरिएबल अभी है, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो वेरिएबल बेसिक वेरिएबल है x3 x4, इसका कोफिशियंट आएगा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में था। क्या बोला मैंने, पहले वेरिएबल आ गया मेरा यहाँ पे x3 x4 आया, अब इसका कोफिशियंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या क्या था, जीरो था कि नहीं था, दोनों का कोफिशियंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जीरो था, तो जीरो आ गया और यहाँ जीरो आ गया, बात समझ में आ गई, 0,0 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक काम करेंगे, अभी ये 40 मिनट ख़त्म होने वाले हैं, तो फिर से ज्वाइन करें आप लोग, कृपया फिर से ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से बता देंगे डीप से, ठीक है। तो फिर से ज्वाइन करें प्लीज़, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग साथ हो तो सब मतलब सब हर चीज़ से, हर दिक्कत का रास्ता निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम सिंप्लेक्स मेथड की बात कर रहे थे, और हमने यहाँ तक अभी तक क्या सीखा था,
हमने कहाँ तक सीखा था? अभी तक हमने आपको बताया था पहले ये टेबल और उसके बाद हमने ये कहा था कि यहाँ पर हम रखेंगे पहले बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल क्वेश्चन की शुरुआत में वो होते हैं जिनके कोफिशिएंट जीरो होते हैं, या कह लो स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स थ्री और एक्स फोर को रखे थे हम दोनों। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखेंगे, कोफिशियंट रखेंगे एक्स थ्री और एक्स फोर के जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है। बात समझ में आ गई? तो जीरो कॉम जीरो और जीरो, दो जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जीरो और जीरो आ जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे एक रो बनी हुई है, यहाँ ध्यान देना बेटा, ये जो रो है यहाँ पर होगा आपको, यहाँ पे क्या निकलना, यहाँ क्या लिखना, यहाँ लिखना सी जे माइनस जेड जे। अब इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना, सी जे माइनस जेड जे क्या होता है। ये जे है, ये वेरिएबल को बता रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सी वन लिखूँ तो इसका मतलब बात हो रही है एक्स वन की, एक्स वन वेरिएबल की। अगर मैं यहाँ पे C2 लिखता हूँ तो बात क्या हो रही है, X2 वेरिएबल की। बात समझ में आ गए? तो J करस्पॉन्ड्स टू वेरिएबल। ठीक है, J की जो वैल्यू डालोगे वो वैल्यू बता देगा कौन से वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो सी जे, अगर मैं सी वन की बात करूँ, अगर मैं सी वन की बात करूँ, अभी सब समझ में आ जाएगा। सी वन की बात करूँ तो सी वन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उस पर्टिकुलर वेरिएबल का कोफिशियंट। क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उस पर्टिकुलर वेरिएबल का कोफिशियंट। देखो C1 क्या है, C1 किसकी बात कर रहा होगा, X1 की बात कर रहा होगा। और X1 की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशियंट। तो आप देखोगे 10 आएगा, आप देखोगे 10 आएगा। 10 है कि नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशियंट 10 है। तो C1 क्या हो गया, C1 हो गया 10। ठीक है, उसी तरह आपका C2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर C2 की बात करोगे तो C2 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आपका C2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ZJ देखो, अब जरा ZJ देखो, ZJ क्या है। अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ Z1, ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस पर्टिकुलर कॉलम की बात कर रहा हूँ जो X1 के करस्पॉन्डिंग है, X1 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कॉलम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ Z1 तो मैं ये X1 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कॉलम की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? और Z1 क्या होता है, देखो Z1 क्या होता है, Z1 होता है जो X1 कॉलम में ये आपका लिखा हुआ है, थ्री थ्री और फोर लिखा हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले नंबर से। मतलब थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ज़ीरो आएगा कि नहीं, प्लस प्लस इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर का ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो आएगा और ओवरऑल ये ज़ीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रही? यानी कि आप Z1 की अगर बात करो, अगर आप Z1 की बात करो तो Z1 क्या आ जाएगा, अगर आप Z1 की बात करो तो Z1 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, फिर से समझो, फिर से समझते हैं। यहाँ पे X1 और X, ठीक है, फिर से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर C1 और Z1 देखना है। तो C1 हो गया, C1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल, X1, X1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा कोफिशियंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 10। ठीक है, तो C1 क्या होगा, 10 होगा, ये हम सब समझ गए। Z1 देखिए क्या होता है, Z1 होता है, Z1 होता है, ध्यान दीजिएगा, Z1 होता है X1 के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, एक्स वन के करस्पॉन्डिंग ये कॉलम दिख रहा है, इसमें जो ये वैल्यू लिखी है थ्री, थ्री का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ज़ीरो से, थ्री का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ज़ीरो से, फोर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ज़ीरो से,
यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थ्री का मल्टीप्लिकेशन जीरो से। यहाँ कोई और वैल्यू भी हो सकती है, अभी हम आगे देखेंगे, यहाँ पे कोई और वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जीरो है, तो उसको ऐड कर देंगे, तब आपका आएगा जेड वन। बात समझ में आ गई? जेड वन आएगा फिर, ठीक है। अब देखिए, इतना बात समझ में आ गई होगी आपके। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पर आप लिखेंगे सी जे माइनस जेड जे, ठीक है। अब देखिए पहले रो में पहले कॉलम में आते हैं, तो ये पहला कॉलम क्या हो जाएगा, सी वन माइनस जेड वन होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। सी वन माइनस जेड वन होगा, तो सी वन क्या है, टेन है कि नहीं है, टेन है भाई। सी वन क्या हो गया, टेन है, बताया था सी वन टेन है। अभी जेड वन निकाला तो जेड वन जीरो आया था, तो इसका मतलब कि सी जे माइनस जेड जे इन केस ऑफ फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट वेरिएबल क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, दस आएगा कि नहीं आएगा, दस आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख दिया टेन, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया टेन। बात समझ में आ गई, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, टेन लिख दिया, ठीक है। इसी तरह आप करोगे दूसरे रो के लिए, दूसरे रो के लिए करोगे, तो दूसरे रो के लिए क्या लिखोगे, C2 माइनस Z2 लिखोगे कि नहीं बताओ, C2 माइनस Z2 लिखोगे कि नहीं बताओ, C2 माइनस Z2 लिखोगे कि नहीं बताओ, लिखोगे। C2 क्या है, C2 है 9, C2 क्या है, C2 है 9 माइनस Z2 क्या है, अब Z2 निकालोगे तो फिर से जीरो आएगा। देखो यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करोगे जीरो से, जीरो प्लस 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो फिर से आएगा ज़ीरो, तो Z2 फिर से क्या आ गया बताइए, Z2 ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, नाइन आएगा कि नहीं आएगा बताओ, यहाँ पर नाइन आएगा कि नहीं आएगा, नाइन आ गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा वाला आया, तो C3 क्या होगा, C3 माइनस Z3 क्या हो जाएगा, C3 क्या है, C3 ज़ीरो है, माइनस Z3 देखोगे तो वो भी ज़ीरो है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और इसी तरह ये भी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, अभी और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा सकता है, प्लीज़ आप लोग ये कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। अब ये जो सी जे माइनस जेड जे वाला आपको दिख रहा है नीचे, सी जे माइनस जेड जे वाला दिख रहा है, इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर लेना है। क्या बोला मैंने, सी जे माइनस जेड जे वाला देखना, इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर देखो, और अगर मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर तुम देखोगे तो देखोगे कि ये होगा 10, ठीक है, ये 10 होगा। इसका मतलब मुझे इस रो पे मार्क लगा लो ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे मार्क लगा लो, ठीक है। इसमें से एक वेरिएबल छोड़ के जाएगा कोई, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, पहले इसको समझ लो। यहाँ पे x3 x4 है, इसमें से कोई एक वेरिएबल इस सोल्यूशन को छोड़ के जाएगा, क्योंकि x3 x4 आपका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, x3 x4 आपका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई सोल्यूशन वेरिएबल सोल्यूशन यहाँ बेसिक वाला जो रो है यहाँ से छोड़ के जाने वाला है, कौन सा रो छोड़ के जाएगा वो देखिए। यहाँ पे आपने पहले देखा मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर इन दिस पर्टिकुलर रो सी जे माइनस जेड जे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर तो आपको दोनों, अब कौन सा वेरिएबल चूज करोगे, इसे चूज करोगे कि इसे चूज करोगे, ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और टेबल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो यानी थीटा, ठीक है। इसको थीटा को यूज निकालते, और ये थीटा क्या होता है, ये जो की कॉलम है इसको की कॉलम भी कहते हैं, ये जो की कॉलम है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आपके लिए, लेकिन इसको समझिए, क्वेश्चन में आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस से दो तीन क्वेश्चन समझ लेंगे ना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये जो की कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं, अरे यार चलो कोई बात नहीं, हम फिर से लिख लेंगे, गलती से मेरे से इरेज हो गया। यहाँ 10 आ रहा था, यहाँ 9 आ रहा था, यहाँ 0 आ रहा था, ये 0 आ रहा था, ये x3 था, ये x4 था, ये 0 था, ये 0 था, ठीक है, हो गया।
अब देखिए क्या बोला, सबसे पहले आपने सी जे माइनस जेड जे वाले रो में मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर को आइडेंटिफाई किया जो कि ये था 10। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये देख रहे हैं आप RHS, ठीक है, हम क्या करेंगे ये जो की कॉलम है, ये जो की कॉलम है इसके एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग RHS से भाग दे देंगे। फिर से मैं बताता हूँ, जैसे की कॉलम में आपको कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, पहले 3 और 4 लिख रहे हैं, 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, ठीक है, सही बात है। तो क्या करेंगे 21 को भाग दे देंगे 3 से, 21 को भाग दे देंगे 3 से, मतलब यहाँ से इस 3 को ले आए और 21 को 3 से भाग दे दिया, बात समझ में आ रही है। और जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7, जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, बात समझ में आ गई, जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए उसी तरह आपने 24 को 4 से भाग किया, 24 को 4 से भाग करने पर आपको पास क्या आएगा भाई, उसी तरह देखिए यहाँ पे 24 को 4 से भाग करेंगे, ठीक है, 24 को 4 से भाग करने पर क्या आएगा 6 आएगा कि नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 6, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका की कॉलम है उसको तो आपने आइडेंटिफाई किया यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर थे उसको देख के, लेकिन की रो को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे मिनिमम नंबर देखना है, यहाँ पर देखना है मिनिमम नंबर, यहाँ पे मिनिमम नंबर देखना है, कौन सा मिनिमम नंबर है, की रो आपको तब मिलेगा जब आप देखोगे यहाँ पर मिनिमम नंबर, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मिनिमम देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा 6, ये 6 मिनिमम है कि नहीं है, इसका मतलब ये वाला वेरिएबल जो है ये 6, ठीक है, तो जब 6 दिख जाए ना तो 6 पे ऐसे एरो बनाना, इसका मतलब ये है मेरी भाई, ये बात सुन ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि X4 जो है वो बाहर जाने वाला है भाई, X4 इस रास्ते बाहर जाएगा और X1 वेरिएबल जो इस रो के करस्पॉन्डिंग X1 वेरिएबल है वो अंदर आएगा, बात समझ में आ गई, तभी मैंने यहाँ पे 6 की जगह क्या लिखा था, मतलब 6 जहाँ लिखा था यहाँ पे इस तरह से एरो बनाया, मतलब कि X4 वेरिएबल बाहर जाने वाला है और X1 वेरिएबल अंदर आने वाला है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखना एक बहुत ज़रूरी चीज़, इतना करने के बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखना, यहाँ पर भी जो X3 और X4 है जो कि अभी बेसिस में है, मतलब बेसिक वेरिएबल हैं, जो बेसिक वेरिएबल है उनका यहाँ पर देखो, एक चीज़ यहाँ पर देखो, उनके कोफिशियंट यहाँ पे यूनिटरी मैक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स बना रहे, यूनिट मैट्रिक्स मतलब कि 1 0 0 1, बात समझ में आ रही है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1 या कह लो 0 1 1 0, ये यूनिट मैट्रिक्स होती है कि नहीं होती है बताओ मुझे। तो ये देखो जब भी ऐसा होगा, ये बात ध्यान रखना, ये जब भी ऐसा होगा यहाँ पर बेसिस में जो भी वेरिएबल आएगा, बेसिस में जो भी वेरिएबल आएगा यहाँ पर, इसके कोफिशियंट्स यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बना रहे होंगे, ये बात ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो यहाँ बेसिक के वेरिएबल्स हैं उसके वेरिएबल यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बना रहे होंगे, ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये जो है यूनिट मैट्रिक्स बना रहे होंगे, ये यूनिट मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए ये आपका पहला इटरेशन अभी ख़त्म होने वाला है, आपको ये समझ में आ गया कि X4 बाहर जाएगा, X4 बाहर जाएगा और क्या आएगा X1 अंदर आएगा, ठीक है, तो ये सारा चीज़ें मैंने एक टेबल पे दिख जाएगी आपको, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये टेबल है, ये टेबल आ गई आपकी, ये जो अभी तक जो भी किया था इस टेबल में मौजूद है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं है, तो जो ये मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है जब बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा भाई, और ये जो है ये अंदर आएगा, आई एम सॉरी, ये जो एरो दिख रहा है अंदर की तरफ, ये X1 अंदर आएगा और X4 बाहर जाएगा, और जब ऐसा होगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर X3 तो वहीं बना रहेगा क्योंकि X3 तो बाहर कहीं गया नहीं,
बात समझ में आ गई? एक्स फोर की जगह क्या आ गया आपका? एक्स वन आ गया। एक्स फोर की जगह क्या आ गया बताइए? एक्स वन आ गया। बात समझ में आ रही है? एक्स एक्स फोर की जगह एक्स वन आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला कॉलम है जहाँ पे जीरो 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 लिखा हुआ है, ये कोफिशियंट वाला, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स थ्री की कोफिशियंट जीरो ही था तो जीरो लिख दिया। एक्स वन का कोफिशियंट क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? टेन था ना, तो टेन लिखा यहाँ पे। बात समझ में आ गई? टेन था, इतना किया। अब देखिए क्या होगा। अब हमको पता है कि जो भी यहाँ पर वेरिएबल आता है उसका यहाँ पर जो कोफिशियंट बनाता है वो क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स होता है कि नहीं होता है बताइए? यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब, जिसका मतलब आप ये समझो कि यहाँ पर अब चेंज हो गया है, बेसिक वेरिएबल कौन से आ गए हैं? एक्स थ्री और एक्स वन आ गए, यानी कि यहाँ पर भी यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए यहाँ पर इस वाले इसके नीचे। देखिए यहाँ एक्स थ्री और एक्स वन है कि नहीं है? एक्स थ्री और एक्स वन है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ एक्स थ्री और एक्स वन है, तो एक्स थ्री और एक्स वन के नीचे यहाँ पर क्या बनेगा? यूनिट मैट्रिक्स बनेगा, जैसे पिछले केस में एक्स थ्री और एक्स फोर के बीच में बन रहा था। बात समझ में आ रही है? तो एक्स वन और एक्स थ्री के नीचे बनेगा यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि ये होगा, इस तरह का होना चाहिए, लेकिन है नहीं क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ चार है। तो अब आपको ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स बनाने के। बात समझ में आ रहा है? अब आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा यूनिट मैट्रिक्स बनाने के। कैसे लगा सकते हो? अगर मैं इसको, इस पूरी रो को चार से डिवाइड कर दूं, इस पूरी रो को मैं चार से डिवाइड कर दूं, तब यहाँ पे वन आ जाएगा, जो हमें चाहिए था। भाई हमको यहाँ चाहिए क्या था? अब ध्यान दो, यूनिट मैट्रिक्स चाहिए था कि नहीं? ज़ीरो वन और यहाँ पे वन ज़ीरो, ये चाहिए था ना। तो देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए था? यहाँ पे चाहिए था वन। बात समझ में आ रही? यहाँ पे क्या चाहिए था? वन चाहिए था, ठीक है। और वन आप कैसे बनाओगे? आप कुछ ऑपरेशंस करोगे, जैसे यहाँ पे इस पूरी रो को आप डिवाइड करोगे चार से। बात समझ गए? इस पूरी रो को आप डिवाइड करोगे चार से। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बनेगा। यहाँ आएगा वन, यहाँ आएगा थ्री बाई फोर, भाई चार से डिवाइड कर रहे हैं, ज़ीरो को चार से डिवाइड करोगे ज़ीरो ही आ जाएगा, और यहाँ वन बाई फोर आ जाएगा, और यहाँ पर 24 से डिवाइड करोगे चार को तो यहाँ कितना आ जाएगा? छः आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर तो वन बन गया, यहाँ पर तो वन बन गया, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो नहीं है अभी, यहाँ पर क्या है? थ्री है। तो कैसे यहाँ पर ज़ीरो लाओगे? यहाँ पे ज़ीरो कैसे लाओगे? अगर इस पूरे रो को मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इस पूरे रो को थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस रो से घटा दूँ, इस पर्टिकुलर रो से घटा दूँ, तो मुझे ज़ीरो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ? अगर मैं इस पूरे रो को थ्री से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, और इस पूरे रो से घटा दूं, तो मुझे यहाँ पर ज़ीरो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वन है, यहाँ वन है, वन इंटू थ्री बराबर क्या आ जाएगा? थ्री आ जाएगा। और यहाँ इस रो से जब आप माइनस करोगे तो आपको ज़ीरो मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे ही करोगे आप, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, थ्री से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या हो जाएगी 9/4। भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे थ्री से तो ये क्या हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा। और 3 - 9/4 क्या हो जाएगा? 3/4 फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो 3/4 यहाँ फिर से आ जाएगा, ठीक है, ये 3/4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 × 3, 1 - 0, 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -3/4। आप करके देखना, यहाँ आ जाएगा -3/4। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 × 4 24 हो गया, और 24 में से 21 माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा यहाँ, ठीक है, 24 में से 21 माइनस करोगे तो 3 मिलेगा आपको।
यहाँ या ये याद रखना, यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए किसी भी तरह से, यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, ये माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखो इस रो को इससे माइनस करो या इस रो को इससे माइनस करो, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए। देखो जीरो तो अगर नीचे वाली रो से माइनस करोगे तब भी जीरो आ जाएगा, और ऊपर वाली रो से भी माइनस करोगे तब भी जीरो आ जाएगा, लेकिन इस तरह से माइनस करना कि यहाँ हमेशा पॉजिटिव बना रहे, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस आ रहा है तो उसको उल्टा कर देना, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ऐसा करते हैं कि ये लेक्चर हम यहीं रहने देते हैं, अभी काफ़ी लंबा खिंच रहा है और मुझे लग रहा है एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी पूरा मेथड जो अभी तक बताया है उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, उसको जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा, मतलब अभी तक ये टेबल यहाँ तक तो बना ही लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक तो ये टेबल बना ही लेंगे, यहाँ तक ये टेबल बना ही लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बताएंगे आपको प्रोसीजर। तो अभी तक आप इतना ही समझिए, क्योंकि समय की कमी है, हो नहीं पाएगा पूरा, फिर आधा घंटा लगेगा, तो अगले लेक्चर में इसको करेंगे। और बीच में अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए अभी। तो चलिए लेक्चर एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच, और ये कल ऐसी तरह ज्वाइन करिएगा आप लोग।